रानीपाल बैतुल बंटीपाल जी, आप ही ने लिखा है? जिसने पत्र लिखा है हाथ हिलाइएगा। आप ही ने लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुदेव? 2021 में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, उनका घुटना टूट गया था, उसको ऑपरेशन कराया, कुछ उपाय किए और वह बाबा की कृपा से ठीक हो गए थे। फिर 2022 में जून में उनका घर में पैर फिसलने के कारण घुटना फिर टूट गया, पैर घुटना ऊपर से दो टुकड़े हो गए। फिर उनके पैर को प्लेट लगाकर ऑपरेशन कराया गया, उनका पैर टूट चुका था गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था कि ये 6 महीना बिस्तर पर रहेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे और इसके बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव, आपने एक बेलपत्र और एक लोटे जल का जो महत्व समझाया है, हमने वो जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करी, वो जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा लाती, बेलपत्र लाती और उनको देना चालू करा। गुरुजी, डॉक्टर 6 महीने का कह रहे थे, उनको मात्र 3 महीने में बाबा ने चलाना फिराना प्रारंभ कर दिया और बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो भी यहाँ सेवा में भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। बाबा से यही प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हर हर शिव भक्ति ऐसी ही होती है, शिव का गुणगान ऐसा ही, आपका भजन आपकी दृढ़ता। आपसे भी कहेंगे जितने लोग यहां कथा सुनने आए और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दुख तुम्हारे सामने जरूर आएगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा पृथ्वी पर आने के बाद उसको दुख नहीं मिला। राम जी पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख झेलना पड़ा, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख झेलना पड़ा, राधा जी पृथ्वी पर आई उनको भी दुख झेलना पड़ा, और सीता जी अगर पृथ्वी पर आई तो उनको भी दुख झेलना पड़ा। संसार में जितने लोग जन्मे हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले को दुख सहना पड़ता ही है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास में ऐसी भभूति रखी है, ऐसा सामान रखा है, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो समझ लेना ये केवल बेवकूफ बना रिया है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम धारा, तुम भगवान का जितना भजन करोगे अपना दुख अपन स्वयं काट सकते, अपने दुख को अपन स्वयं काटेंगे।